सबसे पहले बात करेंगे 12 विधायक पानाचंद मेघवाल के इस्तीफे की। दरअसल उन्होंने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पानाचंद मेघवाल का कहना है कि जालोर में हुए इस घटनाक्रम से आहत होकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया है। कभी दलित घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर मारा जाता है तो कभी छुआछूत के नाम पर। सरकार को दलितों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर फोर्स इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। तो दलितों को लेकर मुद्दा उठाया, अपना इस्तीफा पानाचंद मेघवाल ने सौंप दिया है। जालोर में हुई इस घटनाक्रम से आहत होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और खुद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं इतना आहत हूं कि मैं अपना इस्तीफा सीएम को सौंप रहा हूं। तो 12 विधायक पानाचंद मेघवाल, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। पानाचंद मेघवाल का यह भी कहना है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है कि जालोर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से उस बच्चे की मौत हो गई है, मैं इतना आहत हूं कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कभी दलित घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर मारा जाता है तो कभी इस तरीके से छुआछूत के नाम पर। सरकार को दलितों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जो इंद्र की जो नरसिंह हत्या माने, जिस प्रकार से उसका वीडियो, एक बच्चा जो नन्ना मुन्ना बच्चा एक गीत में जिस प्रकार से डांस कर रहा है और उस बच्चे को एक मटके में पानी पीने के नाम पर उसको मार दिया जाता है, ये कौन सा न्याय है? मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए की और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, इसके लिए मैंने मांग की थी। मैंने 24 घंटे के बाद मुझे कोई जब प्रति उत्तर नहीं मिला तो मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि अगर हम हमारे समाज के लोगों को अगर न्याय नहीं दिला सकते तो मैं इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हंसपाल का रुख करेंगे। हंसपाल, फिलहाल जरा ये अपडेट दीजिए कि इसके बाद कोई रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, खुद उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी है कि मैं इतना आहत हुआ हूं, इसके बाद कोई रिएक्शन सीएमओ से? जी फिलहाल सीएमओ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। और 12 से एक बड़ी खबर निकल के हमारे बीच में आई है। पानाचंद विधायक, कांग्रेस के विधायक पानाचंद मेघवाल के इस्तीफा के बाद 12 नगर परिषद के 5 कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा खान मंत्री प्रमोदजन भाई को सौंप दिया है। ये 5 जो पार्षद हैं ये एससी और एसटी वर्ग से आते हैं, इन्होंने अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले ही इस्तीफा खान मंत्री को सौंपा है। और आपको बता दूं, मैं पूनम पांच मेघवाल ने कल देर शाम को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में पांच मेघवाल ने मांग की थी कि जालौर में जो बच्चे की निर्मम हत्या हुई है उस बच्चे के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि मिले और उसके परिवार के सदस्य को एक नौकरी मिले। पांचन मेघवाल ने सीएमओ में 24 घंटे का समय उन्होंने दिया था। 24 घंटे के अंतराल के बाद भी सीएमओ से कोई जवाब नहीं आने के बाद पांचन मेघवाल ने आज दोपहर में ये बड़ा फैसला उठाया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। जी पूनम, बिल्कुल हंसपाल, लेकिन ये जानना चाहेंगे क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं कि यहाँ पर विधायक साहब को, जिन पर जिम्मेदारी है, उनको अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए, लेकिन ऐसे में जब खुद वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, इसके बाद रिएक्शन किसी तरीके के किसी की तरफ से? फिलहाल तो मैं बता दूं आपको, इस मामले को लेकर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है सीएमओ की तरफ से, नहीं उनके पास कोई फोन आया है। और पांच एक बार से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जालोर की घटना से इतना आहत हूँ, मेरे मन में इतनी पीड़ा है, इसको मेरा मन इतना दुखी है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उसके बाद मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, मैं वो पानाचंद मेघवाल ने कहा है कि मैं खुद जालौर जाऊंगा और पीड़ित परिवार के से मिलूंगा और उनके परिवारों के से ढांढस बनाऊंगा, उसके बाद भी अगर मेरी मांगों को नहीं माना जाता है तो मैं सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करूंगा और दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ मैं ऐसे खुलकर सामने आऊंगा। जी पूनम, चलिए शुक्रिया हंसपाल, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।